सीहोर के शासकीय विधि महाविद्यालय में लॉ की फैकल्टी भर्ती किए जाने की मांग को लेकर एनएसयूआई के छात्र नेताओं ने आंदोलन शुरू कर दिया है। तो वहीं आंदोलन के दौरान कॉलेज की तालाबंदी भी की गई। सीहोर के चंद्रशेखर आजाद शासकीय महाविद्यालय में संचालित हो रहे विधि महाविद्यालय में फैकल्टी नहीं होने के कारण सन 2017 से प्रवेश बंद कर दिया गया था। तब से अब तक विधि महाविद्यालय में फैकल्टी नहीं रखी गई, जबकि पूर्व में इस महाविद्यालय से कई बड़े बड़े वकील, जज एवं विधि अधिकारी बने हैं। अब एनएसयूआई विधि महाविद्यालय में नियमित पढ़ाई के लिए फैकल्टी रखे जाने की मांग कर रहे हैं। इस मामले को लेकर एनएसयूआई छात्र नेताओं ने कॉलेज के गेट पर तालाबंदी कर धरना दिया। पूरा मामला यह है कि हम पिछले एक महीने से, जब से प्रवेश प्रारंभ हुए हैं, जब से शासन का 1 अगस्त को आदेश आया है यहाँ के कॉलेजों को, जितने भी विधि महाविद्यालय बंद हुए थे उनको पुनः प्रारंभ किया जाए, तो हमने पिछले एक महीने से प्राचार्य से, माननीय मुख्यमंत्री जी से और प्रशासन से 10 बार हम मांग कर चुके हैं, और पूरे जिले के हमारे एनएसयूआई संगठन ने एसडीएम कलेक्टर सबको ज्ञापन दिया, उसके बावजूद विधि महाविद्यालय प्रारंभ नहीं हो रहा। और यदि आज हम हड़ताल नहीं करते तो 10 तारीख के बाद डबल सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद 1 साल के बाद चली जाएगी। इसलिए आज हमने यह आंदोलन किया कि यहाँ पर विधि महाविद्यालय पुनः प्रारंभ हो। आने वाले दिनों में लॉ काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के सदस्यों का दौरा है, लेकिन सीहोर महाविद्यालय में अभी तक प्रवेश शुरू नहीं किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, सीहोर।